फाइनली गाइस फेडरल रूल के अंदर से मैंने ईवो 18 तो निकल लिया गाइस। अब इसको लेवल अप करने वाले हैं और इसके लिए हमें टोकन का जरूरत है और हमें 500 डायमंड का टॉप अप करने पर 210 ईवो टोकन मिल रहा है और मैंने टॉप अप तो पहले कर लिया। चलो गाइस इसको आप फटाफट से क्लेम कर लेते हैं और फाइनली मैंने इधर से सभी क्लेम कर लिया। चलो गाइस अब लेवल अप करते हैं और सेकंड लेवल के लिए हमें 30 टोकन का जरूरत है। चलो गाइस हमारे सेकंड लेवल तो हो चुका है और थर्ड लेवल करने के लिए गाइस 60 टोकन का जरूरत पड़ेगा। तो गाइस थर्ड लेवल भी हमारे हो चुके हैं और फोर्थ लेवल करने के लिए हमें 120 टोकन का जरूरत है। चलो गाइस इसको फोर लेवल कर लेते हैं और फोर लेवल करने पर इसके जो एट्रीब्यूट्स है वो भी अपग्रेड हो जाएगा, डबल डैमेज प्लस सिंगल रेट ऑफ फायर हो जाएगा। इसके अलावा गाइस आपको हीट इफेक्ट देखने को मिल रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और फाइव लेवल करने पर फायरिंग इफेक्ट, किल इफेक्ट देखने को मिल रहा है। किल इफेक्ट तो मुझे उतना ज़्यादा खास नहीं लगा और सेवन लेवल पर एक इमोट देखने को मिल रहा है जो कि गाइस लाजवाब है और बाकी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताना। और इसके साथ साथ इस गन के लुक जो है वो भी बिल्कुल चेंजेस हो जाएगा और सेवन लेवल करने के लिए तो गाइस एक किडनी बेचना पड़ेगा और एक इमोट के लिए किडनी तो बिल्कुल भी बेचना नहीं चाहता हूँ। बाय द वे गाइस वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दे।